गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सबका फिर एक बार स्वागत है। कल हम लोगों ने बात किया था विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बात किए थे, आज हम लोग विशिष्ट चालकता के बारे में बात करेंगे। कल विशिष्ट प्रतिरोध हो गया था, आज विशिष्ट चालकता। आज हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता। तो आज विशिष्ट चालकता के बारे में बात किया जाएगा। तो विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? तो देखिए, परिभाषा इसकी क्या होगी, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से लिखते हैं, इसे किससे लिखते हैं, सिग्मा से लिखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से लिखते हैं। यानी हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर हुए बटा रो। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा रो। तो आप देखिए, कल आपने निकाला था, क्या निकाला था कल आपने, कल आपने निकाला था, अभी आप देखिए सिग्मा का मात्रक। तो सिग्मा का मात्रक क्या हो जाएगा, सिग्मा का मात्रक बराबर हो जाएगा एक बटे रो का मात्रक। रो का मात्रक क्या होता है, रो का मात्रक का हमने निकाला था, रो का मात्रक क्या होता है, एक बटे ओम मीटर। ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर इनवर्स। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर इनवर्स। अब बीमा की बात रही तो बीमा आप लोग निकाल लेंगे। जो बीमा आपने रो की निकाली थी, उसी बीमा में जो घात प्लस में था उसको माइनस में कर देंगे, और जो माइनस में था उसको आप इसमें कर देंगे, प्लस में कर देंगे। अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सिग्मा की बीमा बराबर एक बटे रो की बीमा। तो रो की बीमा कल हमने क्या निकाली थी, कल निकाली थी यम एल का पावर थ्री, टी का पावर एम, एल का पावर थ्री, टी का पावर माइनस थ्री, ए का पावर माइनस टू। ये कल हमने निकाला था। अब इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यम का पावर माइनस वन, एल का पावर माइनस थ्री, टी का पावर थ्री और ए का पावर टू। ये किसकी बीमा आ गई, सिग्मा की बीमा आ गई, इसकी बीमा आ गई सिग्मा की। अब देखिए, अगला हमारा टॉपिक है विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध। विशिष्ट चालकता लोग धारा घनत्व में संबंध, विशिष्ट चालकता यौन धारा घनत्व में संबंध, विशिष्ट चालकता यौन धारा घनत्व में संबंध। तो देखिए इधर, विशिष्ट हम जानते हैं, तो हम क्या जानते हैं, विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर एक बटे रो। अभी हमने पढ़ा है विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर एक बटे रो। फिर देखिए, विशिष्ट
प्रतिरोध की परिभाषा से विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा से तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है? रो बराबर ई बाई जे। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा से तो रो बराबर ई बाई जे, जहाँ ई क्या है चालक तार के भीतर विद्युत क्षेत्र है और जे क्या है धारा घनत्व है। अब देखिए ना, इसको वन मान लीजिए और इसको क्या कहिए टू मान लीजिए, इसको दो मान लीजिए। समीकरण दो से रो का मान एक में रखने पर, तो समीकरण दो से रो का मान एक में रखने पर, तो समीकरण दो से रो का मान जब एक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? सिग्मा बराबर एक बटा ई बटे जे। जे कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? जे बटे ई, या जे बराबर क्या हो जाएगा? जे बराबर हो जाएगा सिग्मा इनटू ई। ये आ गया धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध। तो क्या मिला? जे बराबर सिग्मा इनटू ई मिला। अब देखिए विशिष्ट चालकता जो आती है, विशिष्ट चालकता सिग्मा जो है ये अदिश राशि है। अब ये देखिए धारा घनत्व क्या है? सदिश है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? सदिश है। तो इसका सदिश रूप, तो इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा? इसका सदिश रूप हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जे बराबर सिग्मा वेक्टर, ये इसका क्या हो गया? सदिश रूप हो गया। और इस संबंध को क्या कहेंगे? धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध। ये वीडियो देखिएगा, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे।